जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। आज से हम सुखमनी साहिब जी की कथा का विचार गुरु साहिब जी की कृपा से प्रारंभ करेंगे और संक्षेप में सुखमनी साहिब जी को समझने का प्रयास करेंगे, जिससे गुरबानी का रस भी आए और अर्थ भी समझ आए। इस वाणी का नाम सुखमनी है, लेकिन इसे प्रेम से सुखमनी साहिब कहते हैं। लेकिन सबसे पहले सरलेख आता है, गौड़ी सुखमनी मने पंचो। गौड़ी एक राग का नाम है। भाव, ये वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में राग गौड़ी में दर्ज है। उसके बाद आता है सुखमनी। सुखमनी का अर्थ है सुखों की मनी, आनंद का खजाना। उसके बाद महला पांचवा भाव, ये वाणी पांचवे पातशाह श्री गुरु अर्जुन साहिब जी की है। तो इनके बाद पहला श्लोक शुरू होता है, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आद गुरुए नमा, जुगाद गुरुए नमा, सतगुरुए नमा, श्री गुरुदेव नमा। एक ओंकार भाव, परमात्मा एक है, वह सतगुरु के प्रसाद से अर्थात गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। आद गुरुए नमा भाव, आद भाव जो आदि काल से भी पहले का है, जो सभी गुरुओं का गुरु है, उस गुरु को मेरा नमस्कार है। जुगाद गुरुए नमा जुगाद भाव जो जुगों से भी पहले का है, उस गुरु परमात्मा को मेरा नमस्कार है। सतगुरुए नमा सच्चे गुरु को नमस्कार है, प्रणाम है। श्री गुरुदेव नमा श्री गुरुदेव को मेरी नमस्कार है, मेरा प्रणाम है, मेरा नमन है। प्रभु का चरणों में नमस्कार के बाद अष्टपदी शुरू होती है। अष्टपदी का भाव है जिस पदी में आठ पद हो, तो पहला पद हम मिलजुल कर पढ़ते हैं, समझते हैं। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि सिमरऊ सिमर सिमर सुख पाऊ, कल कले स्तन मा मिटाओ। अर्थात जिस परमात्मा को पहले श्लोक में नमस्कार किया, याद किया, जो सभी के भीतर और बाहर मौजूद है, मेरा मन करता है उसका सिमरन करूं, उसे याद करूं और याद कर करके सभी दुख दर्द मिटा लूं। सिमरऊ जास विसुंभर एक है, नाम जपत अगनत अनेक है। जिसको अनगिनत लोग याद करते हैं, जिसका नाम अनेकों ही जीव लेते हैं, सारे जगत के पालनहार परमात्मा कहते हैं उसे। उसका नाम सिमरो जिसका नाम जिसका से डिलीट जिस नाम को अनेकों लोग याद कर रहे हैं। वेद पुराण सिमरित सुधाख्यर किने राम नाम एक आखियर। सुधाख्यर का भाव है शुद्ध अक्षर, पवित्र शब्द। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि वेद है या सिमृतियाँ, इन सभी ने एक ही पवित्र शब्द को माना है, वे है राम नाम भाव परमात्मा। संगत जी, गुरबानी में जितने भी नाम परमात्मा के लिए आए हैं, उनका अर्थ अलग अलग है, लेकिन बात एक की ही हो रही है। उस अकाल पुरख की जो हर जगह है, वह शक्ति वह ज्योति जो हर किसी में मौजूद है, तो इस बात को हमें हमेशा याद रखना है। किनका एक जिस जिए बसावे, ताकि महिमा गनी न आवे। उस मालिक के नाम का एक तिनका सा भी अगर मन में बस जाए, यदि प्रभु गुणों की शिक्षा थोड़ी सी भी मन में बस जाए, तो उस मन की महिमा कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि उसकी सोच बहुत ऊंची हो जाती है। पर उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो उसके बराबर का हो जाए। कांखी एक है दरस तुहारो, नानक उन संग मोह उदारो। संगत जी, इस पंक्ति के पीछे एक लिखा है, जिसमें लिखा है कि आठ पदों में से एक पद पूरा होता है, ऐसे सात और पद हैं, फिर एक अष्टपदी बनती है। गुरु साहिब जी इस पद के अंत में हमें अरदास करनी सिखाते हैं कि ऐ मेरे मालिक, मुझे उन दर्शनों की चाह है जिनके मन में आपको देखने की इच्छा है। ऐ प्रभु,
मुझे भी उनकी संगत में रखकर भव सागर से पार लगा दो। मेरे हृदय से अज्ञानता को दूर करके साफ हृदय वाला बना दो। यहीं पर पहली अष्टपदी का पहला पद समाप्त होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।